वेलकम टू द चैनल गेमिंग कैफे। सो आज हम खेलने जा रहे हैं रूम चैप्टर 3। सो रूम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस अवेलेबल है राइट टॉप पे क्लिक। आप लिंक जब क्लिक करोगे तो उसका आपको डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। सो हम चालू करते हैं हमारा रूम चैप्टर 3 का गेम प्ले। सो हमारा जो गेम प्ले स्टार्ट होता है एक पजल जो कि टेबल है, हमें पजल सॉल्व करके आगे बढ़ना है और सारे पजल जब सॉल्व कर देंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो हमारा जो पहला क्लू है वो नेम टैग के अंदर है एक स्विच। सो हम उसे स्विच को जब ऑन कर देंगे सो एक बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर से हमें मिल जाता है एक बॉक्स जो पजल बॉक्स है। सो अ पजल बॉक्स जो है हमें इसको सॉल्व करना है। जो बॉल है हमें उसे वन एंड टू नेक्स्ट एंड पे मूव करना है। सो लेट्स सी हम कैसे मूव करते हैं। सो पहले हम उसे एक एंड से लेफ्ट एंड से उसे हम मूव करते हैं टॉप एंड पे, और टॉप एंड से हमें उसे मूव करना है बॉटम एंड पे। सो लेट्स सी बॉटम एंड पे जाने के लिए ये वाला, हाँ ओके ये मैच हो गया। सो बॉटम एंड पे जाते ही अब हमें उसे मूव करना है डायरेक्टली राइट एंड पे, ठीक है। सो हम इसे मूव कर रहे हैं, लेट्स सी ये कैसे होगा। क्या ये मूव वहां जाके अटैच होगा ये वाला, ओके ये हो गया गाइस, ये हो गया और हमारा जो बॉक्स है वो मूव हो चुका है और हमें मिल चुकी एक की, एक ऑर्डिनरी की। सो लेट्स सी अब ये ऑर्डिनरी की अब कहाँ पर अप्लाई होगी। और यहाँ पर एक और हमारा लेटर है जो है जुलाई 15 का। सो इसमें बताया गया है कि एक नर्स रिसर्च किया है नल एलिमेंट पे और एक वो अच्छी पेस में चल रहा है और वो कन्विंस्ड है कि ये कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट मिलेगा और जो प्रॉपर्टीज है वो काफी क्लियर होते जा रही है। सो लेट्स सी अब उसके आगे के जो रिसर्च होगी वो कैसे जाएगी। ओके सो लेट्स सी अब हमारा नेक्स्ट पजल क्या है। सो हम चेक करते हैं ये जो की है वो कहीं तो अप्लाई होगी। लेट्स सी वो की, हाँ यहाँ पर ये की यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। लेट्स सी और ये हमने अप्लाई किया है और ये लॉक जो है वो अनलॉक्ड हो चुका है। सो अब ये सेम जो लॉक कोड है आई थिंक सो ये हमने चैप्टर 2 में भी सेम लॉक को अनलॉक किया था। इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमें प्रॉपर अप्लाई करने पे ही ये लॉक जो है अनलॉक होगा। सो लेट्स सी अब हम ये लॉक को अनलॉक कर रहे हैं और ये ओपन होता है क्या। ओके ये ओपन हो गया गाइस, ओके यहाँ ओपन हो गया है और हमें इसमें से मिलता है, इसमें से एक देखने को है अवेलेबल वो यहाँ पर एक टेलीस्कोप है। अब इमेज शायद हमारा फोटो डालना होगा, ओके ये फोटो फिट हो गया है और अब हम जब इसके अंदर से हमें मिलता है एक स्मॉल पैग जो कि स्मॉल बॉक्स है या स्मॉल कुछ आइकन है। ओके सो हम इसमें लेंस लगा के जब चेक करते हैं तो इसमें एक कुछ रूम के अंदर का कुछ एक विजुअल्स है और इसके अंदर हमें मिल चुका है हमारा कोड, ओके सिगिल। ओके सिगिल ये कोड आई थिंक सो कहीं तो अप्लाई होगा पूरे पजल में, तो हमें इसे याद रखना होगा। और अगर हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, ये ओपन होता है बॉक्स नहीं, ओके सो ये जो ये जो हमें क्लू मिला है कहीं तो अप्लाई होगा। ओके यहाँ पर कुछ है, हाँ ओके ये लेंस लगा के देखते थे यहाँ पर कुछ तो हमें विजिबल है, हमें इस पे मूव करना है एक, ओके सो हमें मूव ओके जब साइड करते हैं तो ओके यहाँ पर एक जगह बन गई है और ये अप्लाई हो गया है। ओके सो हमारा लॉक कोड जो है वो शायद यहाँ ही अप्लाई होगा सिगिल। लेट्स अप्लाई SIGGIL, लेट्स सी ओके ये अप्लाई हो गया, अप्लाई हो गया और हमारा एक जो कंट बॉक्स है वो ओपन हो गया। हमें यहाँ से मिल चुका है एक क्रिस्टल और एक लेटर भी है यहाँ पर ब्लू क्रिस्टल्स के साथ, तो ये जुलाई 29 का, और ये बता रहा है कि जो डिस्कवरी उसे नल एलिमेंट से हुआ है वो काफ़ी डरावना है और जो उसका जो एनर्जीज जो आ रहा है वो काफ़ी डार्कर एंड पे है, ठीक है, और वो उसे बस एक हैंडल करने की एक ट्राई कर रहा है जो कि पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेट्स सी। ओके सो ये क्रिस्टल जो हमें मिला है वो कहीं तो अप्लाई होगा, लेट्स सी ओके हमें मिल चुका है जहाँ पर एक क्रिस्टल अप्लाई होगा। लेट्स सी कि ये अप्लाई हो रहा है, हाँ ये लग गया है यहाँ पर और ये
डोर वो बंद हो गया और यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, हमें लाइट की रिफ्लेक्शन को प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करते ही लेट्स सी, ओके लाइट मूव होने लगी है और हमें यहाँ से मिल चुका है एक सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क यस, अब ये सर्कुलर डिस्क लेट्स सी हमें कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ पर लगेगा ये सर्कुलर डिस्क, लेट्स सी ओके। ओके जो जो इस चैनल पे नया है जब तक प्लीज आप एक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और प्लीज कमेंट करके हमें बताना कि हमें कौन सा गेम प्ले करना चाहिए। ओके सो सर्कुलर डिस्क यहाँ पर अटैच हो गई है और यहाँ से हैंडल बन गया है। लेट्स ओपन दिस और इससे हमें मिलता है एक रिफ्लेक्टर, कुछ सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग दिया। ओके यहाँ रिफ्लेक्टर मिल चुका है। यहाँ पर एक और हिडन केस है। ओके हिडन केस को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ से हमें मिल गया हेक्सागोन पीस। ये हेक्सागोन पीस आई थिंक सो वो जो ग्लोब था जो हमने देखा था शायद वो वहीं पर ही अप्लाई होना है। लेट्स सी, पहले ये देखते हैं कि रिफ्लेक्टर राइट कहाँ लगती है। ओके ये जो लाइट यहाँ से निकल रही है यहाँ पर लगना चाहिए शायद इसे। ओके लेट लेट हम अप्लाई करने का, ओके यहाँ अप्लाई हो गई है और रिफ्लेक्टर लाइट जो है राइट साइड पे ये लाइट को मूव कर रहा है। ओके ये जब मूव हो रही है तो यहाँ पर, हाँ ओके ये अप्लाई ओपन हो गया। ओके सो हमें इसे क्लिक करते हैं और इसका एक सीक्रेट है गाइस, जो ये बार है अगर वो रीसेट होने से पहले ही पहले हमें बहुत फास्ट इसे फिर से क्लिक करना होता है। अगर वो रीसेट हो गया तो वो आगे नहीं जाएगा और आपको फिर से स्टार्ट से आपको खेलना पड़ेगा। ओके सो सेम हमें सेकेंड लेफ्ट साइड के ऑप्शन के लिए भी करना है। ओके ये स्टार्ट हो गया है और हमें इसे किसी भी तरह रीसेट होने से पहले ही इसे फिर से एम्पलीफाई करना होता है। अगर एम्पलीफाई नहीं करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। सो हमें यहाँ से मिल गया है एक की। वाओ ये की जो है आपने शायद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी देखा होगा, तो की को हमें अरेंज करना पड़ता है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक शेप। अगर वहाँ अप्लाई करेंगे तभी जाके ये की अप्लाई होगी यहाँ पर। सो लेट्स हम इसे रीशेप करते हैं। ओके ये वाला अवेलेबल लगेगा, नहीं, ये वाला भी नहीं मैच हो रहा है कहीं भी शेप से। ये वाला हाँ आई थिंक सो ये कहीं तो लगना है, यहाँ पर लगेगा क्या, लेट्स सी ये टॉप पे लगना चाहिए, नहीं ये थोड़ा छोटा है। हाँ यहाँ पर शायद ये फिट हो रहा है। ओके ये फिट हो गया। ये वाला तो नहीं दिख रहा है सेम शेप का। ये वाला हाँ यहाँ पर ये परफेक्ट फिट हो रहा है। ओके तो हमारी जो की है वो एज पर शेप जो है बन चुकी है, हम उसे अप्लाई करते हैं। ओके हमें अप्लाई कर दिया है और यहाँ से हमें एक और लाइट रिफ्लेक्टर मिल चुका है। ओके ये बट स्मॉल रिफ्लेक्टर है तो हमें इसे शायद वहीं अटैच करना होगा उसके बाजू में या उसी के ऊपर जो हमें रिफ्लेक्टर मिला था। तो आई थिंक सो इसके बाद शायद लाइट एक लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव करेगी, लेट्स सी। तो हम इसे पहले अप्लाई करते हैं। हाँ ये अप्लाई हो गया और यस ये लाइट लेफ्ट साइड में मूव किया है। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बट इसे आपको देखने के लिए आपका लेंस यूज करना होगा और हमें जो लेंस के थ्रू ये जो लाइट है उसे आगे मूव करवाना है। जो यहाँ पर जो लेंसेज है देखा आपने, हमें इसे मूव कर दिया है। अब ये और लेफ्ट एंड पे जो है वो आगे बढ़ती जाएगी और हमें यहाँ से, ओ कुछ तो ओपन हुआ है। वाओ ये ऐसा, ये हमें ऐसा स्टार कलेक्शंस नजर आ रहा है जो कि गैलेक्सीज में होता है। ओके सो हमें यहाँ पर एक और ग्लोब का पीस मिल चुका है। टोटल हमारे पास 3 पीस हो गए। सो लेट्स हम अप्लाई करते हैं वो ग्लोब पे। ओके लेट्स स्टार्ट, पहला वाला यहाँ पर लग गया, गुड। ओके यहाँ पर एक ओपन हो गया बॉक्स, यहाँ पर कुछ खिड़की जैसा विंडो जैसा ओपन हो गया। सो हम ये वाला सेकेंड भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर मिल गया कुछ हमें, कुछ रोटेटर टाइप है। ओके फोर्थ भी है इधर। ओके फोर्थ कहाँ से मिलेगा। ओके पहले ये ले लेते हैं ब्रास वाइंडिंग वाला और लेट्स सी इसके थ्रू हमें शायद फोर्थ वाला भी मिलेगा जो कि हमारा पजल कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो ये ब्रास जो है वो यहाँ पर लग जाएगा, हमें इसे मूव करना है ताकि ये जो पजल है वो अनलॉक हो जाए। तो ये जो दिखता नहीं है, आप अगर आप नए हैं ये गेम प्ले के लिए तो आपको बता दूं कोई भी पजल जो है हिडन पजल वो सिर्फ और सिर्फ लेंस के थ्रू ही विजिबल होता है। और ये जो है रूम का लोगो वो हमें अरेंज करना पड़ता है मूव मूव करके, तब जाके ये पजल होता है सॉल्व। तो
तो हमें यहाँ से मिल गया एक वुडन बॉक्स। ओके सो और कुछ तो नहीं है ये वुडन बॉक्स में, देखते हैं कि कुछ इसमें है जो हमें। ओके यहाँ पर कुछ तो है जो हमें सॉल्व करना है पजल। ओके ये जो एजेस है वो उसके ओपन हो गए। अब ये यहाँ पर कहीं तो अप्लाई होगा। ओके यहाँ पर ट्राई करते हैं। हाँ ये शेप मैच हो रहा है, लेट्स सी। ओके ये ओपन हो गया गाइस, ओपन हो गया है। और यहाँ से ओपन हो चुका है टेलीस्कोप। लेट्स सी टेलीस्कोप में कुछ है। ओके यहाँ पर एक कुछ कोड जैसा है आई थिंक सो, जो पजल में अप्लाई होगा। एक स्वॉर्ड जैसा कुछ तो डिजाइन है इसका। ओके यहाँ पर शायद ये कुछ तो है सेम स्टार सिंबल, हम यहाँ पर डाल के देखते हैं, वो ही हमारा सेम कोड। लेट्स सी ये कुछ। ओके यहाँ से हमें हमारा फोर्थ पजल मिल गया है आई थिंक सो। हमने हमारा जो रूम का जो पजल है वो सॉल्व कर दिया। ये अगस्त 9th का है और ये कह रहा है कि जो भी उन्होंने रिसर्च किया था वो सब अच्छा और सही जगह पर चल रहा है वो। और ये जो बता रहा है कि ये कुछ तो है जो नल एलिमेंट के ऊपर ये डिस्कवर करना चाहता था, और उसके जो सीक्रेट्स है वो काफी हद तक ये जान चुका है। और ये जो नल एलिमेंट के जो भी सीक्रेट्स या नॉलेज है अब वो उसके हो जाएंगे। अब और उसके वजह से शायद उसका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो शायद डिसबैलेंस हो रहा है, वो लास्ट लाइन में वो लिखा था। तो हमारा जो पजल है ग्लोब का वो सॉल्व हो गया है। और यहाँ से एक निकल चुका है पुली। तो हमें पुल करते ही ये टेबल जो है, ओ ये तो एक्सपांड हो रहा है और भी। वाओ ये काफी और एक्सपांड हो रहा है गाइस टेबल। और इसमें से शायद और भी पजल्स जो कि हमें देखने मिलेंगे हमारे चैप्टर 4 में। सो गाइस थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए। तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर।